हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस सीएस एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर वन की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नवम्बर 2020 का ये क्वेश्चन है। डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का सिग्नल टॉपिक का ये क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर हमारे चैनल के बारे में आगे डिटेल भी सुनना है तो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आप 2 मिनट और रुक सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, एक मिनट पेन ले लूं। क्वेश्चन कहता है द पीरियड ऑफ ए सिग्नल इज 100 मिलीसेकंड, देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल इन किलो हर्ट्ज इज वॉट। अगर पीरियड है, पीरियड यानी टाइम पीरियड ऑफ ए सिग्नल इज 100 मिलीसेकंड, देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल इन किलो हर्ट्ज इज वॉट। तो ये नवंबर 2020 का डेटा कम्युनिकेशन का सिग्नल टॉपिक का क्वेश्चन है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब ये पीरियड क्या होता है, इसको मैंने बता दिया आपको कि इसको टाइम पीरियड हम कहते हैं। टाइम पीरियड कितना है? 100 मिलीसेकंड है। 100 मिलीसेकंड को हम पहले स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मिलीसेकंड छोटा है, सेकंड में बड़ा करना है। तो इसको, छोटे यूनिट को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं? तो 100 × 1/1000, 2 0 इससे कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बच गया लास्ट में, 1/10 = 10^-1। लेकिन ये तो हमारा टाइम पीरियड का कन्वर्सन था। अगर एग्ज़ाम के टाइम में आपको आता है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस किए हुए हैं इस टाइप को, तो आप 10 सेकंड में ये काम कर लेंगे। फिर उसके बाद है आपको फ्रिक्वेंसी निकालना। फ्रीक्वेंसी कैसे है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इन किलो हर्ट्ज इज वॉट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T, ये 1/T होता है। 1/T तो 1 है और बाई टी में 10^-1 है। इसको हमें किलो हर्ट्ज में करना है। किलो हर्ट्ज में करने के लिए हम 10^3 से कर देंगे, क्योंकि ये किलो में हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और किलो 1000 से हम किलो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10^-1 को हम कैसे लिखेंगे, 1/10, और ये 10^3 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो इसमें से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, 1/100। 1/100 को हम क्या बोलेंगे, 10^-2, ठीक है। तो 10^-2, तो ये हमारा, ये किलो हर्ट्ज में हो गया। ये किलो हर्ट्ज के लिए मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था, तो ये किलो हर्ट्ज में हो गया। तो क्या किलो हर्ट्ज में कोई आंसर है? हाँ, सी ऑप्शन है। चलिए हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन रियल में कैसे दिया है। तो बस वही वही प्रॉब्लम है, वही सॉल्यूशन है, आप इसको देख लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और हेल्पफुल लगता है तो शेयर कीजिए, और लगता है कि फिर से इस चैनल पे आने से हमारा कोई बेनिफिट हो सकता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे मैं बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं और क्या क्या पढ़ा चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने AI पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दिया है विथ ऑल PYQs। लगभग 8.5 घंटे का पूरा प्लेलिस्ट है, और उसमें आपको 3 वीडियो है जो कि लगभग 2.5-3 घंटे का होगा। उसमें सारे PYQs हैं, आप टाइटल देख के पहचान लेंगे, और बाकी कॉन्सेप्ट वीडियो में भी टाइटल बिल्कुल क्लियर लिखा है कि आपको क्या टाइटल चाहिए, आप टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। 2 चैप्टर से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क का मैंने करा दिया, लगभग 2.5 चैप्टर NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप देखिएगा, बिल्कुल डेली लाइफ एग्जांपल से मैंने जोड़ के इतने सिंपल लैंग्वेज में कराया है कि आपको कभी आप नहीं भूल पाएंगे। टफ से टफ टॉपिक को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और PYQs ऑफ CN मैंने कराया है, लगभग 15 PYQs कराए हैं,
उसमें 15 मतलब वीडियोस हैं, उसमें अलग अलग आपको क्वेश्चन, किसी में दो तीन है, किसी में एक दो है, ऐसे करके है। और उसके बाद मैंने रिसर्च के 4 लेक्चर्स कराए हैं, मैंने प्रोपोजिशनल लॉजिक कंप्लीट कराया है बिल्कुल A to Z। प्रोपोजिशनल लॉजिक बहुत लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप मेरे वीडियोस देखने के बाद उसको भूल नहीं सकते हैं। रिसर्च के लेक्चर से मेरी एक फ्रेंड ने अभी APSET का एग्ज़ाम दिया था, वो उसका क्वालिफाई हुआ, वो मेरे वीडियोस को फॉलो करती थी, मेरे चैनल्स को, उसने बताया कि तुम्हारे लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हाँ, मैंने अभी तो बहुत कम, अभी तो मैं स्टार्ट की हूँ पढ़ाना, अभी से रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और सी प्रोग्रामिंग की मैंने बेसिक करा दी है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपको इजीली इसलिए हो जाता है, और आप क्यों कहीं भी कोई भी रिजल्ट ला पाते हैं, किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि मेरे लेक्चर्स क्या हैं, इजी सिंपल लैंग्वेज में और डेली लाइफ एग्जांपल से, इसको आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट बस यही है कि इतना मैंने बताया, इतने फीडबैक मैंने बताया स्टूडेंट्स के, ये मैंने बिल्कुल ब्रीफ में बताया है। तो आप एक बार मस्ट वॉच एटलीस्ट वंस, एक बार कम से कम इसको देखिए, एंड डिसाइड वांट द बेस्ट लेक्चर्स, क्या आपको बेस्ट लेक्चर्स चाहिए, एट योर डोर स्टेप, आपके दरवाजे पर है, बस यूट्यूब खोलिए और नेट क्लासेस CS को देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में है, टू क्रैक नेट नेट JRF सेट PhD एंट्रेंस। कोई भी एग्ज़ाम है आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे अगर मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, और इस इन वीडियोस को देखने से आपको आपको खुद मतलब आपको खुद पता चलेगा कि ये कितने हेल्पफुल हैं और आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको पहले कैसा लगता था ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक, और अभी मेरे बताने के बाद आपको ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक कैसा लगने लगा है, तो इससे बहुत अंतर आता है। तो प्लीज़, अगर आपको हेल्प मिला है, आपको पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, अगर आपको हेल्प मिला तो शेयर कीजिए, और अगर लगता है कि इस चैनल पे दोबारा जाने की ज़रूरत है, यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प हो रहा है, मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और कहा जाता है कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, ड्रीम काम नहीं करते हैं, ड्रीम तो हम बस देखते हैं, ड्रीम देखने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन उसको साकार करने वाले, सपने को साकार करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। तो आप करेंगे अनलेस यू डू, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपके सपने साकार नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आप भी मेहनत कीजिए और सपने भी देखिए, दोनों चीज़ साकार होगा। और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जो पढ़ेगा उसको समाज में, परिवार में और अपने आसपास में, पास पड़ोस में, अपने दैनिक जीवन में, हर जगह आपको अच्छा महसूस होगा, एक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन के सारे लक्ष्य को भी पा सकेंगे। तो बने रहिए नेट क्लासेस CS के साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।